আসানসোলে বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন এলাকা, বাজার এলাকা, পাঁচপুল, স্টেশন রোড, জেলা হাসপাতাল রোড সহ একাধিক জায়গা জলমগ্ন। বৃহস্পতিবার কিছুক্ষণের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে যায় এলাকা। নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকার ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকা। কাজল মিত্রের রিপোর্ট, নিউজ সমাজহিতৈষী। এম এন সাহা রোড, ইয়ে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল কা মেন রোড হ্যাঁ, যাহা সে অ্যাম্বুলেন্স রোজানা আতা হ্যাঁ, কই পেশেন্টস আতে হ্যাঁ, কই সিরিয়াস পেশেন্ট ভি আতা হ্যাঁ। তো ইয়ে আজ কে হালাত নেই হ্যায়, ইয়ে 20 সাল সে ইয়ে হালাত হ্যায়, और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ये 15-20 मिनट का बारिश, अब सोच सकते हैं 15-20 मिनट की बारिश में जिस तरह से बाढ़ आया था 2021 में, उस तरह से पानी था। दुकानों के ऊपर कम से कम 6 इंच ऊपर बारिश का पानी था। नेता आते हैं इसी जगह पर आते हैं, अहलूवालिया साहब भी आए अपना प्रचार किए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी आए और भी जो लोग नेता खड़े हुए हैं। मैं यहाँ के मेयर विधान उपाध्याय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के हालात को देखें आप। यहाँ के काउंसिलर सोए हुए हैं, 46 वार्ड, 47 वार्ड और 48 वार्ड का ये मिलन है यहाँ पर, और इसी जगह पर सबसे ज्यादा पानी का बारिश पानी जमता है। घरों में पानी चला जाता है, दुकानों में पानी चला जाता है, लोगों का नफसी नफसी हालत है। एक कार फंस गया था अभी कुछ देर पहले, मेरे पास लाइव वीडियो है उसके, अभी 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 जान बचाया उसका, वो आदमी का, यहाँ के लड़कों ने, अगर यहाँ के बच्चे अगर आगे नहीं जाते तो उसका कार भी जाता, वो कार के अंदर फंसा हुआ था। और इस कुछ साल पहले आपको मालूम भी है कि महल के पास एक बच्ची का डेथ हुआ था, तो इसी जगह पर हुआ था, ऐसा नहीं है। तो ये हालात तो कुछ तक कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ के हालात को सही करना पड़ेगा। वोट का वक्त आता है, वोट लेते चले जाते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं हम लोगों को कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जनता के हालात को समझिए। ये हालात रहेंगे, ये हमेशा ऐसे ही हालात रहेंगे, हम लोगों को इससे आगे बढ़ के सोचना होगा, शहर की तरक्की के लिए सोचना होगा। आप लोग बैठते हैं अच्छे पोजिशन पे जाते हैं, हम जैसे आम लोगों की वजह से जो वोट दे के आप लोगों को बैठाते हैं, क्यों बैठाते हैं? हमारे परेशानियों को देखेंगे आप, यहाँ कचरा फिरा रहता है, गंदगी वैसे ही रहता है, पानी के नाली की सफाई का मसला बहुत जबरदस्त है। कल से बारिश के जो पानी हुआ था परसों से सफाई सही से नहीं हुआ था, और ये नाला हमेशा जाम रहता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे आसनसोल की तरक्की हो, यहाँ के लोगों का कारण भला हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर असलम है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। काली पाड़ी में निकलिएगा, बहुत बहुत भी है इधर काली पाड़ी। गाड़ी वाला को नहीं निकलिएगा।